में आपका स्वागत है। आज हमने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास फिल्टर वगैरह की कुछ वैरायटीज आने वाली है, नई एक्सेसरीज आने वाली करके, तो चूंकि स्टॉक आ चुका है और तो हमने सोचा कि आज ही इस फिल्ट्रेशन जो फिल्टर आए हुए हैं हमारे पास नए वाले, तो इनकी हम एक वीडियो बना ही डालें। तो जो नया स्टॉक आया है तो मैं उसमें मॉडल वाइज आपको अलग अलग फिल्टर के बारे में बताने वाला हूँ और उसमें बहुत सारे फिल्टर हैं, तो सारे फिल्टर आज हम आपको दिखाएंगे। हमने अभी निकाल करके रखा हुआ है, ये फिल्टर पूरे अलग अलग हैं, वीनस के हैं, एक्वाग्रेस के, सोबो के, आरएस के, ब्लू फैट मिन्जिंग के हैं, और इसमें फिर अलग अलग वैरायटीज हैं, इंटरनल फिल्टर हैं ये सारे। तो इसके आज हम आपको पूरे अलग अलग जो है ये बताएंगे, अलग अलग वाट पे हैं, अलग अलग हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों जैसे कि ये वीनस का ये सबसे ज़्यादा छोटा फिल्टर है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला 12 वाट का नॉर्मल फिल्टर होता है, नॉर्मली 1.5-2 फिट के एक्वेरियम में लगाने के काम आता है। ये देखिए वीनस एक्वा 12 वाट गोल बॉडी पे रहता है, ये अच्छा फिल्टर है, ये छोटे एक्वेरियम के लिए बढ़िया रहेगा। उसी के साथ फिर एक ये हम आ गए एक्वाग्रेस में, एक्वाग्रेस में चौकोर बॉडी पे, ये भी छोटे 1.5-2 फिट के एक्वेरियम के लिए बहुत प्यारा फिल्टर है, इंटरनल फिल्टर है, पूरा डुबा करके पानी में चलाना रहता है। देखिए इसमें ये पूरा बना हुआ रहता है, कभी भी फिल्टर को पूरा पानी में डुबा कर ही चलाना है आपको, बाहर चलाएंगे तो ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसी में ये लगभग सेम ही साइज़ के रहते हैं, आ गया सोबो का 1000F, ये भी अपना इंटरनल फिल्टर है। ये देखिए 1000F पूरा पानी के अंदर डूब के चलेगा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे अच्छा फिल्टर है ये, जो नॉर्मली छोटे टैंक्स के लिए रहता है। उसी में फिर थोड़ा सा ये दूसरे इसमें आ गए अपन आरएस का है, ये RST 1000F एक्वेरियम इंटरनल फिल्टर। ये देखिए सेम उसी टाइप की बॉडी, थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता। अब इसमें अपन आ गए इसी का थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए डबल बॉडी, इस चौकोर बॉडी पे है, वैसे ही सेम सारी चीज़ें रहती हैं, ये इसमें पूरा ये दिया हुआ है, ये RS अच्छा फिल्टर है। अब हम उसके बाद सोबो का एक बहुत प्यारा एक नया भी लॉन्च हुआ है फिल्टर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे स्पंज दिया हुआ है, ये अंदर जो है इसको अभी मैंने ओपन करके भी नहीं देखा है, पर है बहुत प्यारी चीज़, इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये इसका गोल ये हो गया, ये देखिए बहुत ही प्यारी चीज़ इसमें दी हुई है अंदर, ये जो दिया हुआ है इसमें जब ये चलेगा तो ये चक्री घूमेगी, ये कुछ अलग ही टाइप का डिफरेंट चीज़ दे दिया है। ये इसकी एक सिंगल वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा चला करके, इसमें हो सकता है कुछ अलग ही मज़ा आएगा, चीज़ बहुत प्यारी है। वाइड बॉडी में है ये पूरा, ये देखिए ये वाइड बॉडी में है, ऐसा लग के तैयार होगा ये, ऐसा जनरली सारे पंप में जो रहता है फिल्टर में ये ऐसा लग जाता है। और इसके बाद ये अपना ऐसा लग गया ये, और इसके बाद ये हो गया, दिखने में इतना प्यारा मस्त लग रहा है ये, इसके चलने में कितना मज़ा देगा ये देखना पड़ेगा अपने को, एक आध वीडियो इसकी बनाना पड़ेगा हमें आपके लिए। ये देखिए और इसका ये कंट्रोलर रहता है, ये कंट्रोलर इस काम में आता है कि यहाँ पे इसमें एक नोब रहती है, इसको अपन कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो यहाँ का जो फ्लो होता है वो कम ज़्यादा होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि ये किस लिए है किस लिए है, तो इसको कंट्रोल करते हैं अपन, कम या ज़्यादा अपने ऊपर है कितना फ्लो रखना है। वैसे ही सारे पंप की तरह इसको भी पूरा फुल पानी में डुबा करके चलाना होता है, बहुत ही मस्त चीज़ है, मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आया ये फिल्टर। इसी में फिर इसका ये थोड़ा सा बड़ा भाई, ये जैसे कि देख रहे हैं हम दोस्तों ये 102 नंबर है, 103 भी आता है इसके बीच का, पर स्टॉक में अभी
आया नहीं था, तो हमने डायरेक्ट 104 की ही वीडियो बना डाली। ये देखिए नीचे ये बना हुआ है 1, 2, 3, ये मतलब आपका बड़े से बड़े टैंक के लिए। ये आपका इसमें दिया हुआ रहता है कितने लीटर के हिसाब से रहता है, ये मैक्सिमम 1800 लीटर का है ये 1800। ये देखिए 1800 लीटर तक का फिल्टर करेगा ये, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया फिल्टर, 30 वाट का फिल्टर। और ये इसमें भी वही एक नीचे का सेम रहेगा और तीन ये येलो कलर के बॉक्सेस रहेंगे। इसके बाद हम आ गए ये मेजिंग का है, ये 801 नंबर NSF 801 फिल्टर। ये इस फिल्टर की खासियत ये है कि इस फिल्टर में पावर ज़्यादा रहता है, ये जो है एयर का फ्लो भी अच्छा तेज देगा। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो है इसमें कचरा अच्छा इकट्ठा होता है इसका, और मतलब है इस बहुत ही प्यारा फिल्टर है ये। इसी में फिर हम आ गए इसके बाद ये इसी का NSF 802 नंबर, इसमें डबल दे दिया है ये, फिर सेम बॉडी वही काम करेगा, थोड़ा सा और हैवी बड़े टैंक के हिसाब से हो गया। ब्लू पेट का 600 नंबर BL 600F, ये जैसा कि हमने सुबह 1000F देखा था, बॉडी उसी टाइप की है पर उससे थोड़ा छोटा फिल्टर है, तो 1.5 फुट 1.5 फुट के टैंक में ये अपन लगा सकते हैं और काम अच्छा कर देगा ये। बहुत ज़्यादा मतलब बड़े टैंक में लगाने के काम का नहीं, छोटा ही है, 1.5 फुट 1.5 फुट तक के टैंक से काम आएगा ये। फिर इसके बाद इसका ये हो गया BL 222F, डबल बॉडी स्क्वायर बॉडी पे है, 25 वाट का फिल्टर है, सेम पूरा मतलब ये सोबो का जो अपन देख रहे थे एक 1000F उसी का डबल दे दिया, मतलब इसमें काम बहुत अच्छा करेगा ये भी, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बुलवाया था कस्टमर को दिया व्यू, इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया। सोबो का FK 1002, डबल बॉडी डबल स्पंज लगेगा इसके अंदर, अपन चाहे तो वायो मीडिया जो आते हैं वायो मीडिया को भी इसमें आधा कट करके डाल करके यूज़ कर सकते हैं, वायो मीडिया डालने से और भी ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम हो जाता है। ये FK 1002 नंबर, ये भी बहुत प्यारा फिल्टर है। अब इसके बाद हम सोबो का WP 3000F नंबर पे जाते हैं, ये जो है जो सोबो का 1000F फिल्टर होता है उसी से जस्ट डबल है ये, 3000F कर दिया है इसका नंबर। इसका भी सेम वही है, पानी में पूरा डुबा के चलाना है, डबल डब्बे हैं, समय पे साफ करिए फिल्टर को, डुबा के चलाइए, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगा, तो फिल्टर जो है आपका ख़राब नहीं होगा। अब उसके बाद हम आ जाएंगे FK 1502, ये फिल्टर है, इसमें भी डबल स्पंज, उससे थोड़ा सा पावर ज़्यादा है इसका, और इसका वाट है 15 वाट का है ये, और काम सेम लगभग 1002 के जैसा ही करेगा, अच्छा फिल्टर है, बढ़िया चीज़ है, मस्त है। इसके बाद सोबो का WP 5001 नंबर, डबल स्पंज में, बड़ी बॉडी में, और वाट देखा जाए तो 40 वाट है, थोड़ा सा पंप जो है इसका, इस जो सबमर्सिबल जो पंप रहता है, हेड जो रहता है, इसका वाट बढ़ा दिया, मतलब फिल्टर थोड़ा सा हैवी करेगा, ज़्यादा करेगा। बॉडी इसकी बहुत अच्छी है, स्लाइड में बाजू से ऐसा सरक के लगता है। तो ये देखिए WP 6001, जैसे टैंक की हाइट ज़्यादा, हाइट वाले टैंक बनाए हमने, 4-5 फुट के टैंक है, तो उसमें 1, 2, 3 डब्बे हैं इसमें, अच्छा बढ़िया, इतने साइज के डब्बे हैं, तो इसमें 3 है, वाट है इसका 40 वाट है इसका सेम, पर थोड़ा सा डब्बे ज़्यादा है तो प्रेशर का कुछ तो अंतर होगा ही होगा। ये हो गया अपना 5 फुट के टैंक के हिसाब से। अब आ गए हम इंजिन का 3001 डबल कूल बॉडी, और इसका वेट बाकी फिल्टर की अपेक्षा इसका वेट ज़्यादा होता है, और इसका हेड भी हैवी है, 30 वाट का है, पर इसका वेट ज़्यादा है और फिल्टर जो है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पर इसी के अपन बड़े मॉडल में चले जाते हैं तो इससे हैवी निकले गए। ये 4001, ये जो है इसका वाट देखें अपन, तो इसका वाट है 4001 का वाट है 40 वाट का है ये, इसमें पूरे अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग वाट आता है, 6, 10, 20, 30, 40 ऐसा
पूरा साइज़ आते हैं, पर अभी अपने पास बड़े ही में बस है ये। ये भी डबल उसमें चार से पाँच फीट के टैंक के लिए बहुत अच्छा हैवी फिल्टर है ये। हम अब आ गए इसी का और सबसे बड़ा भाई 1303। 1 2 3 4 इसमें इतने बड़े बड़े बॉक्स निकलेंगे, गोल स्पंज लगे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा फिल्टर है, लगभग 5 फीट के टैंक के हिसाब से मस्त है। डेढ़ बाई 5 का टैंक हमने बनाया है, अच्छा वर्क करेगा। वॉट भी इसका लगभग मुझे लगता है देखिए 2000 लीटर के हिसाब से है, 40 वॉट का है ये, बहुत अच्छा फिल्टर है। तो ये भी 4-5 फुट के टैंक के हिसाब से अपन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने छोटे से बड़े फिल्टर जो भी मेरे पास आज जो रेंज आई हुई है फिल्टर की, मैंने सारे फिल्टर की आपको ये वीडियो बनाया और दिखाया भी। और ये अलग अलग मॉडल, अलग अलग साइज, अलग अलग कहना चाहिए लीटर की कैपेसिटी उसके हिसाब से हैं। कभी भी हो आप ये देखिए कि आपके टैंक में कितने लीटर पानी आ रहा है, आप जो फिल्टर खरीद रहे हैं वो कितने लीटर की कैपेसिटी का है, तो लीटर के अकॉर्डिंग आप लीजिए और देख लीजिए कितना लीटर में आपका पानी साफ होगा, तो उसके हिसाब से आप फिल्टर लेकर के लगा सकते हैं। जनरली छोटे फिल्टर ज़्यादा चलते हैं, 1.5 से 2 फिट के टैंक के लिए, छोटे मीडियम बड़े बहुत सारे मैंने बुलवाए हैं। तो आपका टैंक जैसा भी है जिस तरह से है उसके हिसाब से आप फिल्टर जो परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों दोबारा लास्ट में फिर से आपको ये जानकारी दूंगा और बताऊंगा क्या होता है कि हमारा फिल्टर जो ख़राब होता है इसके अंदर जो स्पंज है जब भी गंदा हो जाए, चोक हो जाए, इसको निकालिए, साफ करिए। नियम ये कहता है कि समय पे साफ करिए, पूरा डुबा के चलाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके फिल्टर की सर्विस आपको मिलेगी। चाइना के आते हैं, गारंटी वारंटी नहीं आती है, पर ऐसा है कि हम अगर सेफली चलाएंगे, समय पे साफ करेंगे, पानी में पूरा डुबा के चलाएंगे तो कभी ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ख़राब होते भी तो पैसा वसूल करके ख़राब होते। तो आशा करता हूँ कि मुझे मैंने ये जो आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम की जो वीडियो बनाई आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा और अगली फिर वीडियो मैं एक लेकर के आने वाला हूँ नई एसेसरीज के साथ, वो भी मान के चलिए 1-2 दिन में मेरे पास आने वाली वैरायटीज, उसमें भी काफ़ी कुछ आने वाला है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। इसी के साथ फिर से मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपका स्नेह और प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए।